वेलकम टू ऑल और कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर टुडे। आज का लाइन हमारा फाड़ू फाड़ू था। और आज का स्ट्रक्चर भी कुछ कम नहीं, बल्कि आपको देने जा रहा हूँ दमदार। लाइन शायद बोले तो इतना धासु लाइन है कि कमाल है भाई। ओपन का लाइन दूंगा आपको मैं, और जैसा कि सभी जानते हो ओपन के लाइन के बाद, हाँ भाई ओटीसी नहीं है, ओपन का लाइन है। और ओपन के लाइन के बाद चलेंगे जोड़ी पे, जोड़ी का स्ट्रक्चर क्या है, बिग बॉस प्रोमो पे आपको लेके चलूँगा मैं, और वहाँ पे डिसाइड करना है हमने जोड़ी को। पहले ज़रा ओपन के लाइन पे डिस्कस कर लें, जैसे ही मार्किंग कंप्लीट होती है मैं ओपन आपके साथ शेयर करता हूँ विद मेथड। यहाँ राइट, सो डोंट क्वाइट स्टार्ट इन हेयर टुडे लाइन। अभी आपके सामने पड़ा हुआ क्या है, 81 का लगता है जोड़ी। एट वन का जोड़ी में क्लोज है 1 का, प्लस हम लेते हैं 7 इजिकल टू 8, प्लस 2 लेना है और देन प्लस 2 लेना, 802 राइट। अब यहाँ से आप, मैंने आपसे जो डिस्कस किया था ना वो मैंने ये किया था, लेकिन इसी मेथड में मेरा सेकंड वीडियो बिग बॉस प्रोमो चैनल पर देखना मत भूलना, फिर कोई ना कहे कि गुरुजी आपने क्या दिया था और लाइन क्या निकला। मैं पहले बोल रहा हूँ लाइन और वीडियो पूरा वॉच करने का, मेथड आपको तब समझ में आएगा। और दूसरा, सेकंड वीडियो बिग बॉस प्रोमो चैनल पर देखना है तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा मेथड क्या था राइट। यहाँ से मैं मार्क करता हूँ एक डिजिट ये वाला और एक ये वाला, ठीक। लेकिन इस वाले डिजिट को हम मार्क नहीं करते, हालांकि ये वाला डिजिट और ये वाला दोनों डिजिट जब आप लेकर आते हो तो यहाँ क्रॉस में भाई देखो ज़रा, एट वन के क्रॉस में 2-0 का जोड़ी, 2 का ओपन और 0 का क्लोज प्ले होता है। लेकिन मेरा प्रॉमिस था आपके साथ ओपन का, तो इसलिए करके पूरा मेथड ध्यान से वॉच करते जाना। नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास जोड़ी पड़ता है 8-4 का, तो 8-4 का जोड़ी में हमारे पास क्या होने वाला है,
क्लोज है 4 प्लस 7 इक्वल टू 1, 1 से प्लस 2 गया तो 3, प्लस 2 गया तो 5, 1 3 5। ये वाला डिजिट मार्क किया है मैंने 3 का, और जोड़ी पड़ा है 3 2। तो 3 2 का जोड़ी में यहाँ पे क्रॉस में 3 का ओपन प्ले कर जाता है। नेक्स्ट अगेन हमारे पास जोड़ी है 8 1। 8 1 का जोड़ी में क्लोज है 1 प्लस 7 इक्वल टू 8, 8 से प्लस 2 गया तो 0, और 0 से प्लस 2 गया तो 2, 8 0 2। जैसा कि पहले भी मैंने बोला है, अब अगर 8 0 में आप ये दो डिजिट ले लेते हो, लेकिन हमने डिजिट ये वाला लेना है, अपना कलर लेकर आता हूँ ग्रीन, तो यहाँ पर ओपन 8 का प्ले कर जाता है, 8 0 का पूरा जोड़ी प्ले करता है, लेकिन 8 का ओपन हमने लेना है, तो 8 का ओपन प्ले कर गया। नेक्स्ट हमारे पास जोड़ी प्ले होता है 0 7। अब 0 7 में क्लोज है 7 प्लस 7 इक्वल टू 4 प्लस 2 गया तो 6 प्लस 2 गया तो 8, यानी कि 4 6 8 में हमारा आता है। यहाँ से हम डिजिट 4 का मार्क करता हूँ मैं, और यहाँ से 4 का डिजिट जो है वो 0 7 के क्रॉस में 4 1 में ओपन ओपन प्ले कर जाता है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, तो हमारे पास सेम यहाँ पर जीरो सेवन जोड़ी प्ले करता है, 0 7 क्लोज प्ले करता है 7 प्लस 7, यानी क्लोज में प्लस 7 लेना है हमने, तो 7 प्लस 7 किया तो इक्वल टू 4, प्लस 2 लिया तो 6, एंड देन प्लस 2 लिया तो 8, 4 6 8, राइट। अब 4 6 8 में हमारे पास आता है 6 का डिजिट, मैं मार्क एबल करता हूँ ग्रीन कलर में, एंड देन 0 7 के क्रॉस में 6 7 का जोड़ी में 6 का ओपन प्ले कर जाता है, राइट। इसके बाद हम चलते हैं, हमारे पास आता है 8 4, अब 8 4 का जोड़ी में 8 4 का जोड़ी में क्लोज आता है 4 प्लस लेते हैं 7, तो 4 प्लस 7 लिया तो इक्वल टू 1, अब 1 से प्लस 2 लिया तो 3, देन प्लस 2 लिया तो 5, 3 का डिजिट हमने ग्रीन कलर में मार्क कर लिया है। 8 4 के क्रॉस में आपका रिजल्ट पड़ा हुआ है 3 3 का, और 3 3 के रिजल्ट में 3 का ओपन प्ले करता है क्लोज के साथ, राइट। अच्छा जी, हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास आता है 9 3, तो 9 3 के
जोड़ी में क्लोज आता है थ्री का, थ्री प्लस सेवन करते हैं तो इज इक्वल टू ज़ीरो, प्लस टू लेते हैं तो टू, और देन प्लस टू लेते हैं तो फोर, ज़ीरो टू फोर, ज़ीरो टू फोर हमारे पास आता है डिजिट। हमने जाना है 93 के क्रॉस में और यहाँ पे हमारा सीक्वेंस बनना चाहिए 024 में ओपन, राइट। अच्छा, जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, सॉरी, यानी कि हमारा एड वन का जोड़ी में यहाँ भी ओपन प्ले हुआ, फिर एड फोर का जोड़ी में थ्री टू में ओपन प्ले हुआ, फिर हमारा 81 का जोड़ी में 80 में ओपन प्ले करके गया और जोड़ी भी प्ले कर गया, फिर हमारा 07 का जोड़ी में 41 की जोड़ी में ओपन प्ले कर गया 4 का, फिर हमारा 07 का जोड़ी में 67 का जोड़ी का 6 का ओपन प्ले कर गया, फिर हमारा 84 का जोड़ी में 33 में ओपन के साथ जोड़ी भी प्ले कर गया, फिर हमारा 93 का जोड़ी में, यानी यहाँ पे ओपन प्ले करता है या जोड़ी प्ले करता है। जिन्होंने वीडियो किया है फुल वॉच वो तो हो जाएगा तमादम मस्त कलंदा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बिग बॉस प्रोमो पे जाकर देखते हैं कि क्या स्पेशल चीज़ थी इसमें, क्या स्पेशल था इसमें और क्या एथलांटिक थी इसमें कुछ चीज़ जो इस लाइन में मैंने वाजे नहीं की, और वहाँ पर जाकर हम करेंगे डिसाइड और देखेंगे कि फाइनल टच क्या मिलता है इसको। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बिग बॉस प्रोमो पे, जोड़ी या सिंगल इज बिंगल। और